हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएससी फाइनल ईयर। माई सेल्फ डॉक्टर संगीता मेल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे एंड सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, कुछ भी टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग एक इंट्रोडक्टरी वे में एमएससी फाइनल ईयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी प्रॉपर हुए नहीं थे प्रीवियस में, तो कुछ कुछ चीज़ों से आप लोग हो सकता है तरीके से अवगत नहीं हो पाए। तो जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर, फाइनल ईयर में भी आप लोगों के 6 पेपर्स होंगे, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है उसकी बात अपन थोड़ा रुक के करते हैं। तो फर्स्ट पेपर, जैसा कि आपको पता है, घोष मैम दे रही हैं, बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स। सेकेंड इज़ योर एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड एथोलॉजी, जो कि जगवीर सर ले रहे हैं। थर्ड इज़ जीन्स एंड डिफरेंशिएशन, जो कि अगेन घोष मैम ले रही हैं आई थिंक सो। एंड टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी जो है वो आई थिंक जगवीर सर ले रहे हैं। नेक्स्ट इज़ योर फिफ्थ एंड सिक्स्थ पेपर, बोथ आर योर स्पेशल पेपर्स। एमएससी में आप लोगों के 2 स्पेशल पेपर होते हैं फाइनल ईयर में। जूलॉजी की बात कर रही हूँ मैं, प्रीवियस में आपके सारे जनरल पेपर होते हैं। फाइनल ईयर में 4 जनरल पेपर हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंडर पढ़ने वाले सारे बच्चों के लिए कॉमन है। फिर पेपर फिफ्थ एंड पेपर सिक्स्थ जो हैं वो स्पेशल पेपर होते हैं, जो कि आपकी कॉलेज, आपके इंस्टीट्यूशन, आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा स्पेशल पेपर चल रहा है। ऑलमोस्ट 8 to 9 काइंड ऑफ स्पेशल पेपर्स आर देयर इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। और सारे के सारे जो पेपर्स हैं, अगर उनके एग्जामिनेशन स्कीम की हम बात करें, तो ऑल दी 6 पेपर्स, हर एक पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है आपके। और एग्ज़ाम अगर नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं, जैसे कि इस बार हुआ है, उसको छोड़ दें, तो वही 3 आवर्स आप लोगों का एग्जामिनेशन ड्यूरेशन रहता है। 2 प्रैक्टिकल होंगे। लास्ट ईयर आप लोग प्रैक्टिकल भी नहीं दे पाए, तो उस स्कीम से भी आप प्रॉपरली अवगत नहीं हो पाए हैं कि क्या था क्या नहीं था। अगर एग्ज़ाम होता तो आपको थोड़ा ढंग से क्लियर होता। तो प्रैक्टिकल्स की अगर अपन बात करें, तो जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो आप लोगों का जो 4 जनरल पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड होगा, और जो सेकंड डे का जो प्रैक्टिकल होगा, सेकंड प्रैक्टिकल जो होगा, वो आपके स्पेशल पेपर से होगा। प्रैक्टिकल्स भी 100 मार्क्स का होगा, और एमएससी में प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो 5 आवर्स ड्यूरेशन के होते हैं, जैसे कि आपके बीएससी में होता था 3 आवर्स का, एमएससी में होते हैं 5 आवर्स के। ये तो है जनरल बात। अब अपन बात करते हैं स्पेशल पेपर कौन कौन से चलते हैं यूनिवर्सिटी में। तो अपनी यूनिवर्सिटी में 9 तरह के स्पेशल पेपर चलते हैं। फर्स्ट इज़ योर कैंसर बायोलॉजी। हर एक स्पेशल पेपर के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। तो फर्स्ट है कैंसर बायोलॉजी, सेकेंड है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, थर्ड है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फोर्थ इज़ अबाउट एंडोक्राइनोलॉजी, फिफ्थ इज़ एंटमोलॉजी, सिक्स्थ इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सेवन्थ पेपर है फिश बायोलॉजी, एट्थ पेपर है रेडिएशन बायोलॉजी एंड 9th पेपर है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। हमारे कॉलेज में जो स्पेशल पेपर चलता है उसका नाम है एंटमोलॉजी। आई वॉन्ट कि आप लोग इस नाम को, इस स्पेलिंग को अच्छे से लर्न कर लें, जो एंटमोलॉजी है उसको। दिस इज योर स्पेशल पेपर इन एमएससी। इसके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अब ये कौन सा पेपर होता है, इसमें क्या पढ़ा जाता है, उसकी बात करना ज़रूरी है। पहले तो अपन बात करते हैं कि एंटमोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट है। तो एंटमोलॉजी, बच्चों, आप लोगों ने आर्थ्रोपोडा पढ़ा है, इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ा है घोष में, जहाँ भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है या फिर प्रीवियस में भी था आपके। इन्वर्टिब्रेट्स में आप लोगों ने फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा है, जिसमें कि एनिमल किंगडम के सबसे ज़्यादा एनिमल्स आते हैं, और उसमें आपने क्लास पढ़ी है, दैट इज़ इंसेक्टा। इंसेक्टा इज़ द क्लास जिसमें कि इस यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा वैरायटी के एनिमल्स हैं, और सबसे ज़्यादा नंबर में स्पीसीज जिस क्लास में रजिस्टर्ड है
वो है क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी कि हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंटामोलॉजी में। हिंदी में बोलूँ तो कीट विज्ञान है ये, कीटों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इंसेक्टा के बारे में आप लोगों ने एक बेसिक चीज पढ़ रखी है कि जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होता है, जॉइंटेड अपेंडिजेस होते हैं, और उसमें भी थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, तीन जोड़ी टांगे होती हैं, एंड जनरली टू पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, दो जोड़ी पंख होते हैं, ठीक है, कंपाउंड आइज होती हैं। इस तरह की मोटी मोटी बातें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। अब अपन बात करते हैं कि आपके जो एंटामोलॉजी के दो पेपर्स हैं वो कौन से पेपर्स हैं। तो योर फर्स्ट पेपर जो है, स्पेशल पेपर फर्स्ट, जो कि सिलेबस में फिफ्थ पेपर पे के नाम से है आपके, दैट इज़ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि हम पढ़ेंगे इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य आकारिकी के बारे में, एंड फिजियोलॉजी यानी कि बॉडी की जो अलग अलग सिस्टम्स हैं वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में, कार्यकी के बारे में। सेकंड जो स्पेशल पेपर है, दैट इज़ योर सिस्टमेटिक्स, जिसमें सारा का सारा इंसेक्ट क्लासिफिकेशन है, एंड इकोलॉजी, इंसेक्ट्स की इकोलॉजी के बारे में, एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी, यानी कि इंसेक्ट का क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ पे काम में आते हैं, किस तरीके से मतलब कौन से इंसेक्ट्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से इंसेक्ट हार्मफुल हैं, ठीक है, जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं वो कौन कौन सी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कौन सा पेस्ट होता है, उसके क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, क्या लाइफ साइकिल है, क्या क्लासिफिकेशन स्टेटस है, ये सारी चीज़ें स्पेशल पेपर सेकंड में आएंगी। प्लस कंट्रोल मेजर्स में आप पढ़ोगे कि इंसेक्ट का केमिकल कंट्रोल पढ़ोगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ोगे, जेनेटिक कंट्रोल पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। कुछ स्प्रेइंग अपरेटस वगैरह के बारे में पढ़ोगे, और अगर प्रैक्टिकल्स करवाना पॉसिबल हो पाया इस सेशन में तो आप लोग इनकी लाइफ साइकिल के बारे में भी थोड़ा अच्छे से जान पाओगे। ये सारी चीज़ें सेकंड स्पेशल पेपर में आती हैं, जो कि हम नेक्स्ट सिलेबस प्रॉपर जो है हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, एंड हम पहले थोड़ा मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी के पेपर को देखेंगे, ताकि आप लोग सिलेबस से या सब्जेक्ट से थोड़ा फ्रेंडली हो पाओ। नया है एक तरीके से, आप लोगों ने अभी तक सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, सुपरफिशियल पढ़ा हुआ है, इस तरह से मतलब नहीं पढ़ा है स्पेशली टू अबाउट द आर्थ्रोपोड्स। थोड़ा बहुत आप लोगों ने कॉकरोच पढ़ा हुआ है, पर अगर एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया यू विल इन्जॉय इट, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि आप डे एंड नाइट फेस करते हो। आप जहाँ भी देखते हो आपको इंसेक्ट ऑब्जर्व होते हैं। जब तक हम जानते नहीं हैं हमारा ऑब्जर्वेशन थोड़ा कम रहता है, हमारे लिए जो भी ऑर्गेनिज्म दिखता है हम हर किसी को कीड़ा कह देते हैं, ठीक है। जब एंटोमोलॉजी पढ़ लोगे तो आपके लिए सब जो एनिमल्स आपको नज़र आएंगे सारे कीड़ा नहीं होंगे, पर्टिकुलर इंसेक्टा में आने वाले ही आपकी नज़र में कीड़ा होंगे। तो बात आती है कि एंटोमोलॉजी एज ए स्पेशल पेपर लेके स्टूडेंट्स को क्या एडवांटेज हैं। चूँकि मास्टर्स इन जूलॉजी करने का जो कॉमन एडवांटेज है, जो कॉमन स्कोप है, वो सबके लिए कॉमन है, बट आपके स्पेशल पेपर के बिहाफ पे भी आपके सामने कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं जो केवल उस वही इंसान ऑप्ट कर सकता है जिसने एंटोमोलॉजी पढ़ा है, ठीक है। वो क्या क्या है, तो चूँकि इंसेक्ट और एग्रीकल्चर का जो है बहुत ही क्लोज रिलेशन है, तो सबसे पहले मैंने इसी को रखा है कि रिसर्च इन एग्रीकल्चरल बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फील्ड्स, उसमें एंटोमोलॉजिकल बेसिस पे जो इंसेक्ट लेवल पे जो स्टडी होती है उसमें एंटोमोलॉजी पढ़े हुए बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। देन फॉरेंसिक साइंसेस का जो डिपार्टमेंट है उसमें एंटोमोलॉजिस्ट के अलग से पोस्ट होते हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी एंटोमोलॉजी वालों की वैकेंसी अलग से होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी होती है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में होती है, क्वारंटाइन ऑफिसर्स के रूप में भी एंटोमोलॉजिस्ट की पोस्ट निकलती है, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसमें भी
एंटोमोलॉजिस्ट की अलग से पोस्ट निकलती है। ये जो है कुछ एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि एंटोमोलॉजी पढ़े हुए बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। अगर अपन बेसिकली बात करें इंसेक्ट के बारे में, तो एक जो इंसेक्ट है उसका जो शरीर है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। थ्री पार्ट्स क्या हैं? वन इज योर हेड, देन कम्स थोरेक्स, देन कम्स एब्डोमन, सिर, वक्ष एंड धड़। ये तीन पार्ट्स में इंसेक्ट की बॉडी डिवाइडेड होती है। अगर हेड की बात करो तो इसमें माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, आप थोड़ा बहुत देख भी पा रहे हो, ठीक है, एंटीना लगे होते हैं और कंपाउंड आई लगी होती है। अगर थोरेक्स की बात देखो तो उस पर लेग्स लगी होती हैं, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, और जो विंग्स हैं वो भी थोरेक्स पे ही होते हैं, ठीक है। और थोरेक्स में तीन सेगमेंट होते हैं, प्रोमीजो, मेटाथोरेक्स, जो कि अपन बाद में पढ़ेंगे। एब्डोमन में अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ सेगमेंट्स होता है, कई बार मेल एंड फीमेल में भी बदल जाता है। ये सारी चीज़ें तो आपने बेसिक इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी में देखी हैं। इस तरह का जो जीव आपको नज़र आता है जिसमें थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, ठीक है, टू पेयर्स ऑफ, जनरली टू पेयर्स ऑफ विंग्स हैं, कंपाउंड आई है, एंटीना है, वो इंसेक्ट में आता है। मैं थोड़े दिन में चेंज कर दूंगी अपना स्टेटमेंट जब मैं आपको इंसेक्ट क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी, और मैं वहाँ टेरिकोटा और एब टेरिकोटा के बारे में पढ़ाऊंगी, और मैं कह दूंगी कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके पंख नहीं होते हैं, ठीक है। पर जनरली आप जो देखते हो इनको तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जिनमें विंग्स होते हैं। ये कुछ एक इंसेक्ट की मैंने इमेजेस डाल रखी कि कौन कौन आपकी इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये बटरफ्लाइज, यू ऑल आर वेल नोन, ठीक है। देन अगर अपन बात करें तो वेस्प जितने भी होते हैं, ततैया जितने भी टाइप के आप देखते हो, वो सारे इंसेक्ट्स में आते हैं। ग्रासहॉपर्स वगैरह जो है वो इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद इस इमेज को मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। इनको कई बार आपको समझ नहीं आती क्या ये मस्टर्ड है, सरसों का जो टहनी है उस पर पूरी दूर में आप देख रहे हो कुछ कीड़े लगे हुए हैं ना, छोटे छोटे, ये एफिड्स हैं जो कि आपने देखा होगा वसंत पंचमी के आसपास छोटे छोटे कीड़े उड़ रहे होते हैं, आँखों में बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, पीले कपड़ों पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, दो जोलार एफिड्स, ठीक है। तो ये इंसेक्ट होते हैं, ये डैमसल फ्लाई है, इंसेक्ट है, आजकल दिख जाती है वाटर पॉन्ड्स वगैरह के आसपास, और आपको जो वो दिखता है ड्रैगन फ्लाइज भी दिख जाती हैं, हेलीकॉप्टर जिसको कहते हो, इसमें शायद मैंने नहीं लगाया, ठीक है, वो भी इंसेक्ट है, ठीक है। ये एक इंसेक्ट जिसको इस बार आप लोगों ने खूब नाम सुना है, आपने नाम सुना है क्या, टिड्डी, लोकस्ट, काफ़ी बच्चों ने देखा भी होगा इस बार, एकाधेका इंसेक्ट तो उड़ के हर कहीं नज़र आ ही गया है। तो ये लोकस्ट है, टिड्डी है, इंसेक्ट में आता है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ एक बीटल्स हैं, ठीक है, लेडीबर्ड बीटल है, दिस इज़ कॉकरोच जिससे आप काफ़ी फैमिलियर हो। मैं बात कर रही थी कुछ एक इंसेक्ट को आपको विंग्स नहीं मिलेंगे, है ना, एंट, चींटी, नॉर्मली चींटियों में पंख आपको नहीं नज़र आते हैं, चींटियों में भी और चींटों में भी, लेकिन बारिश के मौसम में आपने देखा होगा इन पे विंग्स आ जाते हैं जब ये रिप्रोडक्टिव सीजन में होते हैं, ये भी इंसेक्ट में आते हैं। एक ये इंसेक्ट, दिस वन, सिल्वर फिश, आप लोगों ने देखा होगा कोई पुरानी जैसे कि बुक्स रखी होती हैं, काफ़ी टाइम से आपने छेड़ा नहीं होता है, साल दो साल या कुछ महीनों में भी कई बार मिल जाती हैं, उस बुक्स के अलमीरा में से जैसे ही आप बुक्स खोलते हो, सफाई करते हो, तो कुछ कीड़े भागते हैं, ग्रे कलर के से नज़र आते हैं, छोटे से, ये वाला सिल्वर फिश कहते हैं इसको, लेपिस्मा इंसेक्टा में आता है, पर विंग्स नहीं है। कई बार कुछ लोग इसको इंसेक्टा में ना रखने की गलती कर बैठते हैं। सिल्वर फिश का क्वेश्चन भी आता है भाई, कि क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन फिश,
ठीक है, और सिल्वर फिश का वहाँ नाम होता है, या कई बार उल्टा आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्ट, वहाँ पे बहुत सारे फिशेस का नाम होता है, उसमें एक इज़ एन इंसेक्ट है ना, कौन सा एक कीट है, इंसेक्ट है, उसमें बहुत सारे फिशेस का नाम होता है, टू थ्री ऑप्शंस में, एक ऑप्शन में नाम होता है सिल्वर फिश, जिनको नहीं पता होता है उनके लिए कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप एंटमोलॉजी में पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन में आप इन सारे अलग अलग टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं इनका अपन पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से फैमिलीज में आते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑर्डर्स में आते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर में कौन कौन से फैमिलीज पड़ती हैं, ये सब अपन पढ़ेंगे। और उसके अलावा अपन पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें अलग अलग इंसेक्ट के एग्जाम्पल अलग अलग जगह पे कोट किए हुए होंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर रह के करना होगा, हो जाएगा इजीली। ओके, जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें अपन इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, अपना ख्याल रखो एंड पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करो। टाटा, बाय बाय।